हेलो दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो या तो आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं या एक पंप डीलर हैं। जो भी हो, ये वीडियो आप दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर एसटीपी आपका पंप में नहीं चल रहा हो, सेल बंद हो गया हो, तो उस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप अपने कंपनी में कंप्लेन करें, तो मिस्त्री आएगा, चाहे वो 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा लेट से आए, तब तक आपका सेल बंद हो जाता है। कई कई बार 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक मिस्त्री नहीं आते, जिसके कारण आपका सेल बाधित होता है। तो इस परिस्थिति में आप अपने से खुद से क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे आपका मान लीजिए कि पेट्रोल का सेल बंद है, तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आप अपना मशीन पे जाइए, नोजल उठाइए और देखिए आपका नोजल में जीरो, मशीन में जीरो हो रहा है कि नहीं। जीरो जीरो होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जैसे जीरो होता है, उसके बाद ही मोटर चलता है। तो पहले आपको तो ये देखना है कि आपका मशीन में जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मशीन में जीरो हो रहा है तो आपको उसके बाद देखना होगा कि जैसे नोजल उठाए, एक आदमी बोलिए नोजल उठा के देखेगा, दूसरे किसी आदमी को बोलिए कि टैंक, जहाँ पर टैंकी लगा हुआ, जहाँ पर एसटीपी है, वहाँ पे किसी आदमी को खड़ा करके बोलिए, एसटीपी के ऊपर पैर रख के देखेगा और नोजल उठा के देखेगा। जैसे ही नोजल उठाएगा, अगर आपका जीरो जीरो हो रहा है तो वहाँ मोटर चलना चाहिए। और मोटर अगर चलेगा तो थोड़ा सा कैसा वाइब्रेशन करेगा, अगर वाइब्रेशन कर रहा है नोजल उठाने से तो मोटर चल रहा है। अगर उसके बाद भी तेल नहीं निकल रहा तो कोई और प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हम बात करते हैं अगर आपका जीरो हो रहा है और एसटीपी नहीं चल रहा है, जैसे यहाँ पे नज़र उठाएँ वहाँ एसटीपी नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। सबसे उसके बाद हमको चेक करना है आपका रिले, जिस रिले से आपका मोटर चलता है। और रिले लगा हुआ था आपका पैनलूम में, देखेगा पैनलूम के आसपास कहीं लगा होगा इस तरह का, बिल्कुल इस तरह का लाल बॉक्स एक होगा, जिसे रेड बॉक्स कहते हैं, उसी में रिले लगा हुआ रहता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि आपका रिले ठीक है या नहीं है। तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, आप एक टेस्टर लीजिए और उसको एक आदमी बोले नज़र उठाएगा, जैसे ही वो नज़र उठाता है आपका M1 या M2 में रिले में लाइन पास करना चाहिए, फेस पास करना चाहिए, देखिएगा टेस्टर जलना चाहिए। अगर आपका टेस्टर जल रहा है तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद आप जाइएगा टैंक में, जो एसटीपी आपका नहीं चल रहा है उस टैंक में जाइएगा, वहाँ पर जाके देखिएगा कि आपका इस तरह का अगर एसटीपी है तो उसमें एक इस तरह का ढक्कन होगा और उस ढक्कन को खोलिएगा, स्लाइड रेंच से खुल जाता है वो ढक्कन। स्लाइड रेंच से खोलने के बाद देखिएगा उसमें एक कैपेसिटर होता है, 17.5 FFD का कैपेसिटर होता है। तो वो कैपेसिटर जो होता है, वो ज़्यादातर केस में कैपेसिटर भी ख़राब होता है, तो उस कैपेसिटर का आप आराम से इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। जिस तरह का आप तार जैसे जैसे खोलिएगा उसी तरह सेम उसमें जोड़ दीजिएगा, उसके बाद आपका कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद आप आराम से, अगर आपका कैपेसिटर ख़राब है, रिले में आपका लाइन पास कर रहा है, कैपेसिटर ख़राब है, तो कैपेसिटर चेंज करने के बाद आपका मोटर डेफिनेटली है कि चल जाएगा। और अगर उसके बाद भी आपका मोटर नहीं चल रहा है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। मेरा अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, हम बैठे हैं आपके लिए, हम जब फोन दिए हम आपसे बात कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर लीजिएगा, कुछ अगर आपको डाउट लगता तो मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई इलेक्ट्रिशियन दोस्त या पंप डीलर है तो उसे भी आप शेयर कर सकते हैं हमारा वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।